नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो वीडियो और ये सीरीज हमारी है रेलवे के सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन सारे एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हर रोज की तरह आज हमने फिर नया चैप्टर स्टार्ट किया दोस्तों, पाइप एंड किस्टर्न यानी कि पाइप एवं टंकी का। दोस्तों आज हम लोग पार्ट वन पढ़ेंगे। इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग एक नंबर से लेकर के 35 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आपका कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों यदि आपको इस चैप्टर के बाद जो भी चैप्टर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं वो चैप्टर आपको पहले पढ़ा दूंगा। पढ़ना दोस्तों हमको आपको बता दूं कि यूथ कमीशन टाइम्स की जो बुक है हमारी 2024 वाली लेटेस्ट बुक, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं इस बुक के साथ साथ रीजनिंग का भी बुक सॉल्व किया जा रहा है और मैथ का भी बुक दोस्तों सॉल्व किया जा रहा है। और दोस्तों हम सामान्य ज्ञान और साइंस का भी बुक जो लेटेस्ट बुक 2024 वाला है इसको भी हम लोग संपूर्ण सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पाइप एंड टंकी का हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं पाइप एंड टंकी जो हमारा है दोस्तों, जैसे आप लोग टाइम एंड वर्क मैंने इसे इसके पहले पढ़ाया है। दोस्तों जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़े हैं सेम उसी टाइप में हम लोग यहाँ पे दोस्तों टाइम एंड वर्क के जैसा ही हम लोग पाइप एंड टंकी पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये बात हमको बताना है। दोस्तों देख लीजिए कि हमारा ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देख लीजिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देख लीजिएगा दो पाइप दिए गए हैं ए और बी। देखिए मान लीजिएगा पहला पाइप है और एक ये दूसरा पाइप है। पहला पाइप जो ए है वो किसी टंकी को 21 घंटे में फुल कर देता है, ठीक है। दूसरा पाइप जो हमारे पास बी है वो उसी टंकी को 18 घंटे में भर देता है, यानी कि वो 18 घंटे में फुल कर देता है। अब देख भरने का काम कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोस्तों प्लस लगा दिया। अगर इसी में कह देता कि टंकी खाली करता है वहां पे हम माइनस लगा देते, लेकिन यहाँ पे भरने का काम कर रहा है इसलिए हमने दोस्तों प्लस लगा दिया। अब 21 और 18 का अगर हम दोस्तों यहाँ पे एलसीएम करेंगे, देखिए 21 और 18 का एलसीएम करेंगे तो यहां से अगर हम इसको किससे कट कर दे दोस्तों 3 से कट करेंगे तो 3 सत 21 और तिछंग 18। देखिए 3 सत 21 और फिर यहाँ पे तिछंग 18 और ये हमारा 3 से, देखिए तो अब यहाँ पे हमारा सच्छंग 42 42 त्रिको कितना हो जाएगा। देखिए सच्छंग 42 42 त्रिको तो अब देखेंगे 3 दूना 6 3 चौक 12 अर्थात 126 आ जाएगा। यहाँ से हमारा 126 क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। जब दोस्तों हमारा 126 एलसीएम हो जाएगा, अब 21 का भाग करेंगे 126 में तो कितना आ जाएगा, देखिए तो हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 18 का भाग जब हम 126 में करेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइप ए है टोटल हमारी टंकी कितनी कितनी क्षमता की है, 126 लीटर की मान लीजिए, कह लीजिएगा 126 लीटर की टंकी है। अब अगर पाइप ए उसको भरेगा तो पाइप ए एक घंटे में 6 लीटर पानी भरता है तो उसको टोटल यानी कह रहा है 21 घंटे में ये मतलब ये पूरा 126 लीटर पानी भर देगा। अगर पाइप बी है, पाइप बी जो है इस पूरी टंकी को 18 घंटे में भरता है तो उसकी एक घंटे में भरने की क्षमता हो जाएगी, पाइप भी एक घंटे में 7 लीटर पानी भरता है। तो कहा गया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा और दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। देखिए दोनों पाइप जब एक साथ खोल दिए जाएंगे तो पहली बात समझिएगा, देखिए ए और बी दोनों पाइप मिलकर के जब इस टंकी को भरेंगे 126 लीटर, देखिए जब ये एक घंटे में 6 लीटर ए भरेगा, बी एक घंटे में 7 लीटर भरेगा, तो दोनों एक घंटे में मिलाकर के कितना भरेंगे, 6 6 12 1 13 लीटर भरेंगे। देखिए जब 13 लीटर भरेंगे तो यहाँ पे अगर 13 का भाग दे देंगे, देखिए 13 का जब भाग करेंगे तो 13 9 117 होता है दोस्तों, 13 9 117, देखो 9 बार यहाँ पे चला गया, 13 9 117, यहाँ पे तो 126 था, तो 126 में दोस्तों जब हमें 117 निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 6 3 9 बचेगा, तो 9/13 बच गया दोस्तों। अब देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, इतना घंटा, देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन पे मौजूद है दोस्तों, तो कहीं भी ऑप्शन पे आपको देख रहे हैं नहीं मौजूद है, ये डी वाला है, डी वाला राइट होगा दोस्तों। कैसे राइट होगा, देखिए 9 9 तो मैच कर रहा, यहाँ पे 27/39 है। अगर इसको जब आप आंसर से मैच कराना चाह रहे हैं दोस्तों देख लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 तो आप वैसे ही रख देंगे
और जो ये 9 बटे हमारा जो 13 दिया गया, इसमें दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई किया गया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 9 सही, 9 त्रिक 27 बटे हमारा 13 थी 39, ये बन जाएगा हमारा घंटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हमारा आ जाएगा। देखिए यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, अब हम लोग दूसरा नंबर पढ़ेंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है दोस्तों। यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया कि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर या खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है, तो पाइप बी को अकेले या खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, इसने ये कहा है कि अगर कोई दोनों पाइपों को हम खोल देते हैं ए और बी को, दोनों पाइप ए और बी को खोलते हैं तो कोई टंकी हमारी 20 घंटे में भर जाती है। ठीक है, अब इसने ये कहा है आगे कि केवल पाइप ए को खोले जाने पर अगर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है तो पाइप बी को अकेले भरने में खाली टंकी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने विकल्प, अगर इस क्वेश्चन को हम विकल्प सेल करें, मान लीजिए विकल्प हमने ए ऑप्शन वाला विकल्प ले लिया विकल्प ए से, तो अगर मान लेते हैं तो पाइप बी को अकेले या खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे मान लीजिएगा बी को कितना समय लगेगा, बी को मान लीजिएगा कितना समय लगेगा, पाइप हमारा ए ऑप्शन में दिया गया 39 घंटे, तो बी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, ये सब बी के ही तो मान दिए गए होंगे, तो बी को मान लेते हैं 39 घंटे लगा होगा। तो अब इसने ए को कितना समय लगेगा, इसने कहा है ना कि ए को जो भी समय लगेगा बी की अपेक्षा 9 घंटे कम लगेगा, तो यहाँ पे इसको लगेगा दोस्तों 30 घंटे लगेगा। अब देखिए, अब अगर इन दोनों को हम एलसीएम करेंगे 30 और 39 का, तो कहीं ना कहीं हमारा ये बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, यानी कि देखते हैं 30 और इसका मतलब 39 का अगर एलसीएम करेंगे, देखिए हम 30 और 39 का एलसीएम कर देते हैं। देखिए 30 और 39 का, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले 30 से कट दिए 10 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ये 13 आ जाएगा। अब देखिए ये किससे कटेगा, अब ये हमारा 10 3 30, देखिए 30 मल्टीप्लाई हमारा 13 आ जाएगा, 13 3 39 390 आ जाएगा। कुल मिला के हमने क्या निकालिया दोस्तों, 390 हमारा एलसीएम आ गया। क्या आया दोस्तों, 390 एलसीएम आया, तो हमने यहाँ पे 390 रख दिया। देखिए यहाँ पे अगर 0 0 कट कर देंगे 3 1 9 3 3 3 9 13 आ जाएगा, 39 यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने एलसीएम दोस्तों ये निकाल लिया। अब आपको ये बात पता हो गई होगी, इसको हमारा लोग हटा देते हैं। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब अगर देखा जाए तो अब इस यहाँ पे इसने ये कहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 20 घंटे में टंकी भर जाती है। देखिए दोनों पाइपों को अगर हम एक साथ खोल देंगे, पाइप ए और पाइप बी से जब दोनों को काम कराएंगे, हमको 390 काम कराना है, पाइप ए की क्षमता 13 है, पाइप बी की क्षमता 10 है, तो 13 10 हमारा हो जाएगा 23। 23 का भाग जब ऊपर करेंगे दोस्तों, देखिए क्या हमारा ये 20 घंटे में दो बार में पूरा कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये जो विकल्प ए है ये हमारा गलत हो जाएगा, हमारा ये राइट आंसर नहीं बनेगा। अब हम अगर विकल्प नंबर बी ले लेते हैं, कौन सा विकल्प ले लेते हैं दोस्तों, विकल्प नंबर हमने बी ले लिया। अब जब बी ले लेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा बी नंबर हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए ए जो हो जाएगा, ए मान लीजिएगा यहाँ पे ए जो हमारा हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए का मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, पहले बी का माने हम देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का हम कितना मान लेंगे, बी का 45 हो जाएगा, हमने 45 रख लिया। अब ए जो होगा वो बी से 9 घंटे कम है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 36 रख देंगे। अब देखिए 36 और 45 का हम लोग जब एलसीएम करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 9 4 को 36 हो जाएगा, देखिए 9 4 को 36, 9 5 45, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 9 4 को 36 यानी 180 आ जाएगा, इनका एलसीएम 180 आ जाएगा। देखिए 36 9 36, यहाँ पे 36 का भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 45 9 5 45, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई विकल्प बी से। अब देखिए यहाँ पे हम ए और बी दोनों से जब काम कराएंगे, जब ए और बी की क्षमता हमने निकाल लिया, 180 का भाग करेंगे यानी कि 9 पे, अब देखिए 9 का भाग इसमें करेंगे तो 9 2 18, देखिए 20 घंटे हमारा आ रहा, 20 घंटे बन जाएगा। और इसने कहा भी है क्वेश्चन में कि यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भरा जाता है। देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 20 घंटे में हमारी टंकी फिल हो जाएगी। इसका मतलब विकल्प जो बी है हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन विकल्प से अगर आप इसको हल करेंगे तो आप बहुत आसानी से और समय रहते आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला नंबर, दूसरे के बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि पाइप एक
एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप दो उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? देखिए, पाइप ए, मान लीजिएगा पाइप हमारा एक, पाइप एक है, देखिए पाइप एक हमारा ये मान लीजिएगा दिया गया है, क्या दिया गया, पाइप फर्स्ट दिया गया। तो हमने मान लीजिए ये फर्स्ट पाइप हो गया, फर्स्ट पाइप जो है किसी टैंक को 6 घंटे में खाली करता है, जैसे हम यहाँ पे माइनस लगा दिए दोस्तों। और इसी में पाइप दो, देखिए दूसरा पाइप अगर हम ले लेंगे, दूसरा पाइप जो है वो भी खाली करने का ही काम करता है, वो कितने घंटे में खाली कर देता है, जबकि पाइप दो उसे 18 घंटे में खाली कर देता है। यहाँ पे हमने 18 घंटा लिख लिया। अब कहा गया है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 घंटा आ जाएगा, यानी कि 18 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 3 18 3 आ जाएगा, 18 1 18 हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए कहा गया ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? अब देखिए दोनों पाइपों को जब एक साथ खोला जाएगा, देखिए तो हमारा यानी कि दोनों पाइप जब एक साथ खुलेंगे तो ये कुल मिलाकर देखिए कितना हमारा खाली होगा, एक बार में 4 लीटर खाली हो जाएगा। हमको ये 18 से भाग जब कराएंगे दोस्तों 4 में, कितना आ जाएगा, देखिए 4 चौक 16 आ जाएगा, बचा 2, हो गया 20, पॉइंट लगा के 4 5 20, यानी कि 4.5 घंटे में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तीसरे के बाद दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे? देखिए पाइप जो ए है, मान लीजिएगा ए पाइप है किसी टैंक को, वो 80 मिनट में भर देता है दोस्तों। कितने मिनट में? 80 मिनट में, हमने यहाँ पे 80 मिनट लिख दिया। जबकि पाइप बी जो होगा दोस्तों, पाइप बी उसी पाइप को 40 मिनट में भर देता है दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख दिया 240 मिनट। अब देखिए 80 और 40 को अगर हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 80 एलसीएम आ जाएगा। अब 80 1 80, 40 2 80, देखिए उन दोनों की क्षमता हमारी क्या आ गई दोस्तों, भरने का काम कर रहे हैं इसलिए प्लस लगा दिया। अब दोस्तों दोनों की क्षमता आ गई, अगर कहा गया है कि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? देखिए जब ए और बी को एक साथ खोल देंगे, इनकी क्षमता हो जाएगी 3, तो यानी कि 80 लीटर हमको भरना है 3 की दर से। देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 6, बचा 2, हो गया 20, 3 6 18, फिर बचा 2/3, यानी कि इतना, ये कितना 26 सही 2/3, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए ये मौजूद है दोस्तों हमारा बी पे, तो 4 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 4 के बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए हमारा दिया ये गया है, इस पे ये कहा गया है कि एक जग है, एक जग में 2 छिद्र है, पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये बात हमको बतानी है। अब देखिए एक जग में 2 छिद्र है, पहला छिद्र जग को 15 मिनट में, देखिए यहाँ पे एक जग में 2 छिद्र है, तो मान लीजिए पहला जग है और यहाँ पे जग में छिद्र है, तो रिसाव होगा ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इस ये पहला छिद्र की वजह से जग को 15 मिनट में खाली कर देता है दोस्तों, कितने मिनट में, 15 मिनट में, तो हमने 15 मिनट लिख दिया। जबकि दूसरा छिद्र जग को, दूसरा छिद्र यानी कि बी जग को क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे 20 मिनट में खाली कर देता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 20 मिनट लिख दिया। अब देखिए 15 और 20 को अगर हम हल करेंगे, 15 और 20 को अगर हम यहाँ पे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा, यानी कि 15 और 20 को हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। तो 15 2 30, यानी कि 15 4 60, हमारा 60 एलसीएम बनेगा, यानी कि 15 और 20 का एलसीएम करेंगे तो हमारा 60 एलसीएम बन जाएगा, 15 4 60 और 20 23 60। देखिए अब यहाँ पे दूसरा जग 20 मिनट में खाली करता है, कह रहा है यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाएगा। देखिए जब दोनों छिद्र ए और बी हमारा चलेगा तो यहाँ पे देखिए 60 टोटल हमारा ये है, 60 को हमको खाली करना है, कितने दर से खाली होगा, 7/7 कर देंगे दोनों को योग करके, 4 3 7 से खाली होगा। देखिए कितना हो जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 दोस्तों, 7 8 56 तो 8 आ गया, 56 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा ये 60 हो जाएगा 7/7। देखिए कितना हो जाएगा, 8 सही 4/7, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी पे मौजूद है। तो 5 का हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हमारा 5 के बाद दोस्तों 6ठा नंबर, और 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये दिया गया है, इस पे कहा गया है
कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये बात हमको बताना है। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे, देखिए दो पाइप, पहला पाइप ए हो गया, दूसरा पाइप मान लीजिएगा बी हो गया। कह रहा दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 220 घंटा, और फिर 30 घंटे में यहाँ पे हमने दिया 230 घंटे में लिख दिया, ठीक है 30 घंटा हो गया। 30 घंटे में क्या करते हैं दोनों पाइप, हाँ एक पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, तो भरने का काम कर रहे हैं तो प्लस बना दिया दोस्तों। अब यहाँ पे 20 और 30 का एलसीएम करेंगे तो हमारा 60 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, कहा है ना दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए ए और बी से हमको दोनों को खोल करके 60 भरवाना है, तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5 = 10, अर्थात 12 घंटे में भर जाएगी। देखिए 12 घंटा हमारा बी ऑप्शन पे मौजूद है, इसलिए दोस्तों हमारा 6 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 6 के बाद दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, यहां पे हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया कि एक टंकी को दो पाइपों द्वारा 45/4 मिनट में भरा जा सकता है, बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है, तो बड़े पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम विकल्प के माध्यम से हल करें तो मान लीजिएगा यहाँ पे हमने विकल्प नंबर ए ले लिया, हमने कौन सा ले लिया दोस्तों विकल्प नंबर ए ले लिया। देखिए विकल्प नंबर अगर हम ए लेके चलेंगे तो उसने कहा है कि बड़े पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। देखिए हमने बड़ा पाइप ले लिया, बड़ा पाइप इस जगह पे ले लिया बड़ा पाइप, और यहाँ पे हमने ले लिया दोस्तों छोटा पाइप ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों छोटा पाइप। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे बड़ा पाइप ये हो गया, छोटा पाइप हमारा ये हो गया, तो बड़ा पाइप यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा कह रहा है हम विकल्प ए लिए हैं तो बड़ा पाइप मान लीजिएगा 30 मिनट में भरता होगा, तो हमने 30 मिनट ले लिया। अब इसने कहा बड़ा पाइप जो होगा छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय भर देता है, तो इसका मतलब छोटा वाला पाइप 42 मिनट भरेगा, तभी तो इससे 12 मिनट कम में हो जाएगा। अब देखिए 30 और 42 का अगर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 260 आएगा, देख लेते हैं। देखिए अगर 3 से कट करेंगे तो 3 × 10 = 30 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 और बचा या 3 × 4 = 12, देखिए हाँ तो 10 × 3 = 30 या 14 × 42 और 42 यानी 420 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 420 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 420 एलसीएम आ गया दोस्तों। अब हम 30 का भाग जब इसमें देंगे 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा, 42 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि अब दोस्तों आप देख लीजिए कहा गया कि एक टंकी को दो पाइपों द्वारा एक साथ 45/4 मिनट में भरा जा सकता है। मान लीजिए टंकी हमारी 420 लीटर की होगी, इन दोनों पाइपों द्वारा जब भरेंगे देख लीजिए कितना समय लग रहा है, 420 बटे हमारा कितना हो जाएगा 14 × 10 = 24 हो जाएगा, हमने ये रख दिया। और यहाँ पे मान लीजिए कितना ये मिनट में दिया है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से हम हल करें, पहले बात मेरी समझिएगा ध्यान से, ये जो 45/4 मिनट दिया गया, देखिए 45/4 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे 4 × 4 = 4, 5 = 20, तो देखिए 4 × 4 = 2, 4 × 5 = 20, 15 का भाग इसमें गुणा कराएंगे तो 15 × 5 = 75 = 5, कैरी हो जाएगा हमारा 7, 15 × 4 = 60, 60 × 7 = 67, यानी 675 हमारा क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, इतना सेकंड आना चाहिए। तो ये दोस्तों मिनट है जब हमारा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 60 का भाग कर देंगे, देखिए 6 × 4 = 24, 6 × 10 = 60, 4 × 1 = 4, 4 × 0 = 0, 4 × 5 = 20, तो ये कितना हमारा आ जाएगा 1050 सेकंड यहाँ से हमारा बन जाएगा। हमको बनना कितना चाहिए, हमको बनना चाहिए दोस्तों 675 सेकंड बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये हमारा विकल्प ए मैच नहीं खा रहा, इसलिए विकल्प ए तो हो गया हमारा गलत। अब अगर हम विकल्प बी ले लें दोस्तों तो विकल्प बी से देख लीजिएगा, विकल्प बी ना लेकर के दोस्तों हम क्या कर लेते हैं विकल्प सी ले लेते हैं। देखिए विकल्प हम सी ले लें, चलिए विकल्प हमने कौन सा ले लिया दोस्तों विकल्प नंबर सी ले लिया, तो विकल्प नंबर जब सी आप ले लेंगे तो देख लीजिएगा जो बी वाला पाइप बड़ा पाइप होगा, मान लीजिएगा यहाँ पे बड़ा पाइप हमारा जो होगा बड़ा पाइप और यहाँ पे हमारा छोटा पाइप लिखा है, तो हमने यहाँ पे छोटा पाइप लिख दिया, देखिए बड़ा पाइप और ये हमारा हो गया छोटा पाइप, तो बड़ा पाइप को मान लेते हैं यहाँ पे हमने सी ले लिया है तो 18 मिनट लगेगा और छोटे पाइप को यहाँ पे 12 मिनट और लगेगा, इसको 30 मिनट लगेगा, ठीक है। तो 18 और 30 का यहाँ पे जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90, तो 18 × 5 = 90 ये इसकी क्षमता आ गई, 30 × 3 = 90 इसकी क्षमता ये आ गई। अब इन दोनों पाइपों से जब हम दोस्तों ए और बी से इसको हल करवाएंगे, देखिए तो 90 बटे हमारा कितना आ जाएगा 5 × 3 = 8, देखिए 8, अब जब ये 8 आएगा तो यहाँ पे अगर इसको हम हल करेंगे
तो यहाँ पे हम मिनट में आया, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जब 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 4 से अगर इसको कट करेंगे तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 एकन्नम 4, बचा 2, 4 पंचे 20। देखिए 2 से अगर इसको कट करेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 45। अब 45 गुणे 15 करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारे दोस्तों कितना 675 सेकंड आ जाएगा। दोस्तों 675 सेकंड देख लीजिएगा यहाँ से आ गया। अगर हम यहाँ पे देखिए बना क्या था हमारा, दोनों पाइपों यानी कि पाइप ए और बी द्वारा जब हम इसको भरवाए हैं, देखिए 45/4 मिनट में कह रहा है भर रहा, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से भी देखिए हमारा कितना आ जाएगा 15, 15 45 को मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 675 यहाँ से भी हमारा आ गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर जो ये सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे देख लेते हैं दोस्तों 7 के बाद दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 और 36 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दो पाइप ए और बी को, ए और बी देखिए पाइप ए है और ये बी है, पाइप ए किसी टैंक को 45 घंटे में और पाइप बी इसी टैंक को 36 घंटे में क्या करता है दोस्तों, घंटे में भर सकता है, भर सकता है दोस्तों। चलिए इसको भराते हैं, 45 और 36 का अगर एलसीएम करेंगे तो देखिए 9 पना 45 और 9 चौको 36, यानी कि अब यहाँ पे 9 पना 45, अब 45 चौको यानी कि 180 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 180 रख दिया। अब देखिए 45 तो 9 पना 45 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और 9 चौको 36 तो यहाँ पे आ जाएगा 5। दोनों पाइपों से हम एक साथ भरवाएंगे तो ए प्लस बी बराबर हमारा 180 बटे आ जाएगा 9, अर्थात हमारा आ जाएगा 20। तो 20 घंटा हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर, देखिए ऑप्शन हमारा बी पे मौजूद है तो 8 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 8 के बाद दोस्तों हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। 9वां नंबर में देख लीजिए यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि यदि दो बार गेट ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है, गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटों में भरेगा। तो देख लीजिएगा अब इसको भी वैसे ही हम लोग हल कर दें, विकल्प से अगर लेके हल करेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि दो बाढ़ गेट ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है। देखिए अगर यहाँ पे कहा गया है बाढ़ ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो बाढ़ हमारा कितने घंटे में भर जाता है दोस्तों, 6 घंटे में भर जाता है। अब इसी में ये कह दिया हम विकल्प कौन सा ले लें, मान लीजिएगा यहाँ पे हमने विकल्प नंबर एक ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, विकल्प नंबर हमने यहाँ पे ए ले लिया। तो इसने कहा है तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भरेगा, अब इसने ये कहा है कि गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, गेट ए जलाशय मान लीजिएगा गेट जो ए जलाशय है गेट ए होगा एक गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, गेट ए जलाशय जो होगा गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। तो अगर गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, अगर ये 5 घंटे में भरेगा, मान लीजिए अगर ये 10 घंटे में भरेगा, ये क्या भरेगा दोस्तों 10 घंटे में भरेगा, तो ये से 5 घंटे तेज भरेगा यानी 5 ही घंटे में भर देगा, 5 ही घंटे में तेज भरता है, गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, तो गेट बी से 5 घंटे हमने पहले भरवा दिया। अब अगर इनका एलसीएम करेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 दूना 10 और 10 एकन्नम 10 ये हो गया। अब जब दोस्तों इनको देखेंगे तो यहाँ पे इसने ये बताया है कि दोनों अगर मिल करके भरेंगे तो इसको कितने घंटे में भर देते हैं दोस्तों, 6। तो कह रहा तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भरेगा, तेज बाढ़ ए जलाशय को कितने घंटे में भर देगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तेज बाढ़ गेट ए अगर हम देखेंगे, देखिए अगर इन दोनों से हम भरवाएंगे, पहले बात समझना, गेट ए से भरवाएंगे, देखिए तेज वाला हमारा गेट ए है, गेट ए से भरवाएंगे टोटल 10 है तो आप कह देंगे 5 घंटे, तो 5 घंटे को आप टिक कर देंगे तो इसी को आप, लेकिन ये तरीका गलत है। गलत क्यों है, देखिए यहां तक तो ठीक है, यानी 2 से जब इसका भाग करेंगे यानी कि ए की जो क्षमता आई गई, तेज बाढ़ गेट हमारा ए हो गया, अब ए से हम 10 लीटर भरवाएंगे, टोटल क्षमता इसकी ये है 10 को भरवाएंगे तो 5 घंटे में भर जाएगा, लेकिन अगर हम ये 5 घंटे में भर देगा और अगर इन दोनों से मिलाकर के भरवा देंगे, इसने क्या कहा है दोनों मिलकर के अगर भरते हैं तो 6 ही घंटे में भर देते हैं, अगर इन दोनों से मिलकर के भरवाएंगे, देखिए ये दोनों मिलकर के तीन तीन काम करेंगे और 10 काम करवाना है, तीन पॉइंट तीन सही 1/3 दिन में भरेंगे, तो यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा विकल्प ए हमारा इस कंडीशन को मैच नहीं खा रहा है।
अब अगर हम यहाँ पे विकल्प कौन सा ले लें दोस्तों, विकल्प नंबर हमने बी ले लिया। अब हम कौन सा ले लें, विकल्प बी ले लेते हैं। अब देखिए विकल्प बी अगर लेंगे तो कहा है कि विकल्प बी हमारा मान लीजिए कि सिर पे क्या हो जाएगा, तो कह रहा तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भरेगा। तो मान लेते हैं तेज बाढ़ ए जो होगा जलाशय को यहाँ पे 10 घंटे में भरेगा। देखिए 10 घंटे में भरेगा तो बी क्या हो जाएगा, बी इसने कहा ना तो ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, तो ये कितने घंटे में भरेगा, ये 5 घंटे में भरेगा। अच्छा ये बात हो गई। तो यहां से अगर अब आप देखेंगे तो ये इतना हो जाएगा, इसने जो ये बताया है कि ये मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। गेट ए जो जलाशय होगा वो गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, 5 घंटे तेज गेट बी से भरेगा, तो गेट बी कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा गेट बी जो हो जाएगा गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है ना ए वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे बी वाला कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तभी तो गेट ए बी से 5 घंटे पहले भर देगा। अच्छा ये बात हो गई। अब 10 और 15 के एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 10 3 30 और 15 2 30, देखिए ये हमारा आ गया। तो अब अगर इन दोनों से भरवाएंगे, देखिए इन दोनों से भरवाएंगे तो 5 भरेगा। देखिए अगर दोनों से भरवाएंगे, पहले बात समझना, इन दोनों से ए और बी से भरवाएंगे तो टोटल 10 भरने के लिए है, 5 की 10 से भरेंगे तो कितने घंटे में भर देंगे, देखिए 6 घंटे में, इसने कहा भी है इसी के पे, देखिए दोनों मिलकर के 6 घंटे में भर देते हैं। तो अब क्वेश्चन में कहा गया तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भरेगा, हमको ए का अकेले ए से भरवाना है, 30 काम को अकेले ए से करवाना है, ए की क्षमता दोस्तों कितनी है, 3, तो 3 का भाग जब यहाँ पे कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 10 घंटे आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 10 घंटे, 10 घंटा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए दोस्तों तो 10 घंटा हमारा यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है, 10 घंटे हमारा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 9 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वें नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भरेगा, ये बात यहाँ से हमको क्या करनी है, बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, इसने ये कहा कि पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर देता है, कौन, पाइप ए अकेले अगर चलेगा, देखिए पाइप ए किसी हौद को 14 घंटे में भर देता है, तो 14 घंटा भरने काम कर रहा है। फिर कह रहा पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को, पाइप ए और बी मिलकर के जब काम करेंगे, मान लीजिएगा इस खाली हौद को 12 घंटे में ही भर देते हैं, देखिए 12 और 14 का अगर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम देख लीजिए कितना आएगा, 12 और 14 का, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 12 और 14 का जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 × 12 हो जाएगा और 2 × 7 = 14 हो जाएगा। अब ये 6 से कटेगा फिर 7 से कट जाएगा, देखिए तो कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 12, 12 × 7 = 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 84, देखिए 14 × 84, तो यहाँ पे देखेंगे 14 14, तो 7 × 2 = 14, यानी 14 × 84 6 आ जाएगा, 12 तो 6 × 2 = 12, यानी कि 12 × 7 = 84, यानी कि हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, जब ए की क्षमता दोस्तों यहाँ पे हम ऊपर निकाल चुके हैं 6, तो बी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, बी की क्षमता 1 होगी, तभी दोनों मिलकर के 7 हो जाएंगे। अब ये कहा है कि पाइप बी अकेले खाली हौद को, पाइप बी, बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 1 है, पाइप बी अकेले इस क्षमता को कितने घंटे में खाली कर देगा दोस्तों, बटे 1 का भाग कर देंगे, तो यानी कि 84 घंटे में ही ये खाली करेगा। ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है, ये दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे कहा गया कि एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, देखिए एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, भर दिया, और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर देता है, चलिए दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर देता है, हमने 15 घंटे में भर दिया। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, देखिए 12 × 15 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 × 5 = 8, 15 × 4 = 60। अब कहा गया है दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा, देखिए टंकी को हमको आधा भराना है दोनों पाइपों को एक साथ खोल करके, देखिए आधा भराना है, इसलिए दोस्तों टोटल हमारी टंकी 60 लीटर की है, आधा भराएंगे दोस्तों 30 लीटर हमको भरना है 5 × 4 = 9 की स्पीड से,
नौ की स्पीड से भरवाएंगे, देखिए 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 3/3 हमारा 9 आ जाएगा, 3 से अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 3 सही 1/3 घंटे आ जाएगा। बस हमारा दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए 3 सही 1/3 घंटा हमारा हो जाएगा 11 का। दोस्तों कहां पे दिया गया 3 सही 1/3 घंटा, 11 का बी इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 11 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, और आगे देख लीजिएगा 11 के बाद यहाँ पे हम लोग 12 नंबर देखेंगे, और 12 नंबर यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। दोस्तों ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया कि पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, ये दोनों पाइप एक ही समय और एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए पाइप जो जे है, मान लीजिए पाइप जे है ये 15 मिनट में मान लीजिएगा भर देता है, और पाइप जो हमारा के है ये हमारा 20 मिनट में भर देता है, हमने 20 मिनट रख दिया। देखिए 15 और 20 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60, तो 15 × 4 = 60 और 20 × 23 = 60 ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए जब दोनों पाइप को जे और के को एक साथ हम इस 60 को भरवाएंगे तो 4 × 3 = 7 की दर से हमारा भरेगा, देखिए कितना आ जाएगा हमारा 7 × 6 = 7 × 7 = 8 = 56 हो जाएगा, बचेगा 4/7 यानी कि इतने मिनट हमारा ये लग जाएगा 8 सही 4/7, देखिए 8 सही 4/7 मिनट हमारा 12 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 12 के बाद दोस्तों हम लोग 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है कि पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं, दोनों टैंक को 8 घंटे में एक साथ भर देंगे। देखिए पाइप ए है पाइप बी है, क्रमशः ये 10 घंटे में और ये 15 घंटे में भर देते हैं, 10 और 15 के एलसीएम करेंगे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। अब कहा दोनों टैंकों को दोनों मतलब एक खाली टैंक को भर सकते हैं, तो दोनों टैंक को 8 घंटे में एक साथ भरेंगे। देखिए एक साथ भरवाने के लिए बात कही गई है तो A+B से दोनों से भरवाएंगे, टोटल हमारा 30 है तो 5 की दर से भरेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 घंटे। देखिए 6 घंटे हमारा मौजूद है बी ऑप्शन पे, तो बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या दिया गया है, इस पे यहाँ पे ये दिया गया है, इस पे कहा गया है कि खाली टंकी को भरने के लिए दो पाइप पाइप एक्स और पाइप वाई, पाइप एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग भर सकता है, पाइप वाई अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 भाग भर सकता है, दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिति से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटों में पूरा कर देंगे, ये बात हमको बतानी है। तो देख लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, ये भी यहाँ पे कहा गया है खाली टंकी को भरने के लिए दो पाइप एक्स और वाई, देखिए एक पाइप तो हमारा एक्स है और एक पाइप हमारा वाई है, पाइप जो एक्स है अकेले 10 घंटे में 2/3 भाग, देखिए 2/3 भाग कितने घंटे में दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो 2/3 भाग लिख दीजिएगा इस जगह पे 2/3 भाग, आगे चलिए हम लिखे दे रहे हैं, तो 2/3 भाग हो गया, 2/3 भाग दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 भाग कह रहा है 10 घंटे में पाइप एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग, 10 घंटे में तो हमने 10 घंटे लिख दिया। अब पाइप जो वाई है ये 1/6 भाग, देखिए यहां से हमने क्या लिख दिया दोस्तों 1/6 भाग, 1/6 भाग वाई अकेले 5 घंटे में, देखिए यहाँ पे हमने 5 घंटा लिख दिया। अब देखिए 10 और 5 का अगर आप एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 और 5 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे टोटल हमारा 10 आ जाएगा, 10 घंटा आ जाएगा, ठीक है ना, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब इस 10 का 2/3 भाग निकालिए, देखिए इस 10 का 2/3 भाग निकालेंगे और फिर इसमें आप 10 का भाग कर देंगे दोस्तों, 10 का भाग करेंगे, देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा तो 2/3 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी क्षमता कितनी आ गई 2/3 आ गई। अब दोस्तों इसी प्रकार इस 10 का हम कितना भाग निकालेंगे दोस्तों, इस 10 का 1/6 भाग, इसमें हम दोस्तों 5 का भाग कर देंगे, देखिए 5 × 2 = 10 यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 यानी कि 1/3 यहां से 3 बन जाएगा,
तो इसकी क्षमता हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 1/3 क्षमता आ गई। अब कहा गया दोनों पाइप अपने संबंधित इसी दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटों में पूरा कर देंगे। देखिए दोनों पाइप उसे हम भरवाएंगे तो x प्लस वाई से जब भरवाएंगे, देख लीजिएगा x प्लस वाई की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2/3, यहाँ पे 2/3 प्लस का 1/3, फाइनली हमारा आ जाएगा 3/3। देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। अब हमको इस यानी कि जो x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई दोनों से हमको कितना भरवाना है, टोटल हमारे पास ये कितना है दोस्तों, इतना वर्क है यानी 10 वर्क है, और इस एक की दर से वर्क करेंगे तो इसको कितना लग जाएगा दोस्तों, 10 ही घंटे लग जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो 10 घंटे हमारा बी पे मौजूद है, तो 14 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटों में भर सकते हैं, ये बात यहाँ पे हमको बतानी है। देखिए पाइप ए, तो यहाँ पे मान लीजिएगा पाइप ए है, पाइप बी है, दोनों, अब ये देखिए पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे और फिर 16 घंटे में भर सकते हैं। देखिए 4 और 16 का एलसीएम करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 एक 16, दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, दोनों मिलकर के, देखिए ए और बी से मिलकर के हम कितना टोटल 16 टैंक को 16 लीटर भरवाएंगे, तो 5 की दर से भरेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 15 1/5 हमारा 5 आएगा, 3 सही 1/5 घंटा। अगर आप इतना रख देंगे तो भी ठीक है, या फिर आप देखिए 16/5 ही रख दीजिए, देखिए यहाँ पे 16/5 ही घंटा हमारा दिया गया है, तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 16, चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन पे हमें देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 100 मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसने ये कहा है कि दो पाइप है, पाइप एक हमारा ए है और एक पाइप हमारा बी है। देखिए पाइप जो ए है उसके लिए बता दिया गया 100 मिनट, और पाइप बी के लिए बता दिया गया दोस्तों यहाँ पे 6 मिनट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 मिनट। अब दोस्तों दोनों को कहा गया है, अगर यहाँ पे हम विकल्प किसको ले लें, विकल्प हमने ए को ले लिया, देखिए विकल्प हम ए को रख लेते हैं, अगर विकल्प नंबर ए का वैल्यू कितना है 1 मिनट, हम यहाँ पे 1 रख लेंगे, और इन दोनों को अगर हम यहाँ पे एलसीएम करें तो 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। अब कहा गया दोनों अगर मिलकर के काम करेंगे तो 1.5 मिनट में पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी को जब हम मिलकर के इस 6 काम को कराएंगे कितने की दर से, 7 की दर से, तो यहाँ पे 1.5 मिनट कहाँ लगेगा, यहाँ पे 0.7856 समथिंग लगेगा इतना मिनट, तो ये तो विकल्प ए हमारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर यहां से हम विकल्प कौन सा ले लेते हैं दोस्तों, विकल्प नंबर हमने ले लिया दोस्तों बी ले लिया, तो चलिए दूसरा विकल्प लेके देख लेते हैं। देखिए हमने विकल्प नंबर कौन सा ले लिया, बी ले लिया, तो देखिए विकल्प नंबर जब बी ले लेंगे तो मान लीजिए ए है और ये बी है, देखिए ए जो होगा इसने कहा है ए 1 मिनट लेगा, तो यहाँ पे हमने विकल्प नंबर 2 बी ले लिया, तो ए के लिए हम क्या मान लेंगे 2, और बी के लिए तो ऑलरेडी 6 मिनट तो दिया ही है, तो देखिए अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ पे इसकी क्षमता 3 और 6 6, इसकी क्षमता 1 आ जाएगी। अब जब ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, देखिए इस 6 काम को दोनों 4 की दर से करेंगे, देखिए 4 1 4 4 5 20, यानी कि ये देखिए कितना हो गया, 1.5 मिनट हमारा आ गया, यानी कि 1.5 मिनट हमारा आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, 1.5 मिनट, यानी कि ये जो हमारा 1.5 मिनट यहाँ देखिए मैच हो गया, तो 2 मिनट विकल्प वाला रखने पे वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 16 का बी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 16 के बाद दोस्तों हम लोग 17 नंबर पे आ जाएंगे, और 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया है कि एक जल टैंक में 2 छिद्र है, अकेले छिद्र एक टैंक का 9 मिनट में खाली करता है, और अकेले छिद्र 2 टैंक को 6 मिनट में खाली करता है, यदि जल रिसाव नियत दर पर हो तो दोनों के साथ साथ चलने पर कितने मिनट में टैंक खाली होता है। देखिए अब छिद्र एक यहाँ पे मान लीजिएगा, हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मान लीजिए क्या दिया गया है, छिद्र नंबर हमारा 1 दिया गया, हमने यहाँ पे छिद्र 1 रख लिया, फिर दूसरा हमको यहाँ पे बताया गया छिद्र 2 बताया गया, यहाँ पे हमने छिद्र नंबर 2 रख लिया। देखिये छिद्र जो 1 है 9 मिनट में खाली कर सकता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 9 मिनट, और छिद्र बी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो हमने यहाँ पर रख दिया दोस्तों 6 मिनट, तो हमने यहाँ पर रख दिया दोस्तों 6 मिनट। अब 9 और 6 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 18 आ जाएगा,
नौ दूना 18 और 6 3 18, ये हो गया। अब खाली करता है, यदि जल रिसाव नियत दर पर हो तो दोनों को एक साथ चलने पर कितने मिनट में खाली हो जाएगा। देखिए दोनों को जब हम एक साथ चलाएंगे, देखिए ये फर्स्ट छिद्र और सेकंड छिद्र जब दोनों मिलकर के चलेंगे, टोटल हमारे पास 18 ये काम करवाना है, 3 2 5 की दर से काम करवाना है। देखिए 5 9 15 और बचेगा 3/5, यानी कि अगर इसको हल करेंगे तो 3 सही 3/5 देखिए कहाँ पे मौजूद है, ये हमारा विकल्प ए पे मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 17 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ से दिया गया है कि एक कंटेनर में दो छिद्र हैं, प्रथम छिद्र कंटेनर को 15 मिनट में तथा दूसरा छिद्र कंटेनर को 10 मिनट में खाली कर देता है। यदि कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों को एक साथ खोल देने पर कंटेनर कितने मिनट में खाली हो जाएगा। अभी जैसा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बस उसी प्रकार इसको हल करेंगे। मान लीजिएगा कंटेनर यानी कि हमारा फर्स्ट छिद्र है ये, इसे 15 मिनट में, तो चलिए यहाँ पे भाई इसको मिनट मान लेते हैं, यहाँ पे 15 मिनट में खाली कर देता है। दूसरा कंटेनर इसे अकेले 10 मिनट में, मान लीजिएगा दूसरा कंटेनर है ये अकेला इसे 10 मिनट में, तो हमने 10 मिनट लिख दिया खाली कर। यदि कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों को एक साथ खोल देने पर, देखिए 15 और 10 के एलसीएम करेंगे तो 30 आ जाएगा, 15 2 30 10 3 30। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये देख लीजिएगा, अब दोनों को हम इन दोनों से हम इस टोटल काम को कराएंगे, फर्स्ट और इस सेकंड कंटेनर से जब दोनों से मिलकर काम कराएंगे, इस 30 काम को 5 की दर से करेगा तो यानी कितना लगेगा दोस्तों, ये 6 हमारा आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों तो हमारा 18 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक टैंक में दो छिद्र या होल है, पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक टैंक में दो छिद्र हैं, पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में, देखिए पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में, तो मान लीजिएगा छिद्र हमारा फर्स्ट है ये, इसे कितने मिनट में दोस्तों 3 मिनट में, हमने 3 मिनट लिख दिया। अब कहा गया दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में, मान लीजिए दूसरा छिद्र है ये टैंक को 5 मिनट में, तो हमने यहाँ पे रख दिया दोस्तों 5 मिनट में रख दिया। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो तो दोनों छिद्रों को द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। दोस्तों रिसाव का काम हो रहा खाली का, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे देख लीजिए हो गया 3 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। तो अब देखिए इस 15 काम को हमको कराना है, देखिए फर्स्ट और सेकंड से मिलकर के इस टोटल 15 काम को हमको, इनकी क्षमता कितनी दी गई है 8, देखिए कहाँ पे कितना हो जाएगा 8 1 9 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बचा 5 2 7 यानी कि 1 सही 7/8 भी आप लिख सकते हैं। देखिए ऐसा हमारा कहीं पे दिया गया है 1 सही 7/8, डी विकल्प भी मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 19 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ये हमारा 19 नंबर है दोस्तों, ठीक है ना, ये 19 नंबर है। 19 के बाद दोस्तों हम लोग 20 नंबर देखेंगे, और 20 नंबर में देख लीजिए दिया गया है, इसपे कहा गया है कि एक कटोरे में दो छिद्र हैं, पहला छिद्र कटोरे को अकेले 4 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र कटोरे को अकेले 12 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों द्वारा कटोरा कितनी देर में खाली हो जाएगा। देखिए पहला जो कटोरा एक है, मान लीजिए कटोरा हमारा ए हो गया, वो 4 मिनट में खाली कर देता है, तो हमने देखिए 4 मिनट रख दिया। कटोरा बी जो है वो 12 मिनट में खाली करता है, हमने यहाँ पे 12 मिनट रख दिया। अब दोस्तों इनका एलसीएम करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। कहा गया यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा कटोरा कितनी देर में खाली हो जाएगा, दोनों छिद्रों द्वारा कटोरा कितनी देर में खाली हो जाएगा, और यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों द्वारा, देखिए दोनों छिद्रों से हम काम कराएंगे, देखिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए रिसाव हो रहा है, इसलिए देखिए ए प्लस बी का हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 12 काम है और 3 1 4 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर कितना, यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा तो दोनों छिद्रों द्वारा कटोरा कितनी देर में खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 मिनट में खाली हो जाएगा, यहाँ पे हमने मिनट लगा दिया। देखिए ये हमारा डी ऑप्शन पे मौजूद है, तो 20 का हमारा दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 20 के बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 20 का हमारा दोस्तों यहाँ पे डी राइट हो गया, और आगे देखेंगे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिएगा यहाँ पे 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है।
इस पे कहा गया कि दो पाइप एक्स और वाई अकेले टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए दो पाइप एक्स और वाई हैं, तो यहाँ पे मान लीजिएगा एक हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा। एक्स और वाई क्रमशः 48 घंटे और यहाँ पे हमारा 72 घंटे या 72 मिनट में भर सकते हैं। दोस्तों मिनट शब्द लिखा तो आप मिनट लिख दीजिए, चलिए घंटा मत लिखिए। अब 48 और इसका एलसीएम करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा 12 चौक 48, 12 छह 72, यहाँ पे आ गया 12। तो अब आगे और देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के देखिए इसको और आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 से कट करेंगे, 2 दो 4, 2 3 6। फिर यहाँ पे देखिए हमारा एक बार और 2 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा हमारा 12 चौक 48, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 3 36, 12 चौक 48। देखिए 12 चौक 48 में 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 हो जाएगा 24 की 4 कैरी हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे 3 8 24 की 4 कैरी हो जाएगा हमारा, 2 3 चौक 12 2 14 144 आ जाएगा। अब 48 का भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा 3 12 मिल जाएगा, 72 का भाग देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 12 मिल जाएगा, 72 गुना 144 होता है। ठीक है, अब देखिए इस 3 2 5 की तरह से हम काम कराएंगे। देखिए ये एक्स और वाई से हम को टोटल 144 काम करवाना है, इनकी दोनों को मिलाकर के क्षमता कितनी हो जाएगी 3 2 5 हो जाएगी। 5 से अगर इसको भाग करेंगे देखिए 5 गुना 10 हो जाएगा, बचा दोस्तों हमारा कितना, जब 10 बचा तो हमारा 4 हो गया तो 44 हो गया। तो यहाँ पे 5 8 40 दोस्तों क्या करेंगे, 5 8 40 और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 40, अब बाकी फिर 4 बचा, फिर 5 8 40 यानी कि हमारा दशमलव के एक जीरो बढ़ा दिया तो 5 8 40 यानी कि इतना मिनट यानी 28.8 मिनट हमारा सी पे मौजूद है। दोस्तों 21 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 21 के बाद दोस्तों हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा कहा गया कि दो पाइप पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो क्यू को इसे पूरा करने में पी की तुलना में 6 घंटे अधिक लगता है। क्यू को जो होगा पी की तुलना में 6 घंटे अधिक लगेगा, तो पी अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है, ये बात हमको यहाँ पे दोस्तों बतानी है। तो इसको भी क्वेश्चन को अगर दोस्तों हम विकल्प के माध्यम से हल करें, देख लीजिएगा विकल्प से जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन कई सारे हल किए हैं उसी टाइप से दोस्तों इसको भी हल कर देंगे। यहाँ पे कहा गया कि दो पाइप पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। देखिए कौन कौन मिलकर के, पी और क्यू अगर मिलकर के काम करेंगे कोई टंकी है उसको कितने घंटे में भर देते हैं, 4 घंटे में यानी भर जाती है दोस्तों टंकी, ठीक है भर जाती है। अब इसमें ये कहा कि जब दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो क्यू को इसे पूरा करने में, देखिए दोनों पाइप जब अलग अलग खोले जाते हैं तो पी हो गया और ये क्यू हो गया, जब दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो पी की तुलना में 6 घंटे अधिक समय लेगा, पी की तुलना में 6 घंटे अधिक समय लेगा। क्यू जो होगा इसे पूरा करने में पी की तुलना में 6 घंटे अधिक समय लेगा। तो पी की तुलना में ना देखिए पी अगर ये लेता होगा दोस्तों 6 घंटा तो ये ले लेगा 12 घंटा। अब देखिए 6 12 का एलसीएम करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 एक 12, ये तो आ गई इनकी दोस्तों क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 घंटे अधिक समय पी अकेले टंकी को कितने समय भर देगा। पी अकेला देखिए टंकी हमारा देख लीजिए यहाँ पे कितनी दी गई है, दोनों मिलकर के देखेंगे 4 घंटे में पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे मान लीजिएगा दोनों को अगर हम ले लें, देखिए दोनों को यहाँ पे अगर हमने ले लिया तो यहाँ पे कहा गया पी अकेले टंकी को कितने घंटे में भर देगा, तो हमने पी का यहाँ पे क्या माना है दोस्तों 6 घंटे माना, देख लीजिए यहाँ पे तो ये 6 घंटे यहाँ पे मौजूद है। देखिए दोनों अगर पी और क्यू से हमें काम कराएंगे, दोनों हम मिलकर के टोटल 12 टंकी को भरेंगे, 2 1 3 की दर से भरेंगे दोस्तों, 3 4 12 यानी कि यहाँ पे हमारा देखिए 4 घंटे, इसने कहा भी है कि पी और क्यू मिलकर के 4 घंटे में टंकी को भर देते हैं, और यहाँ पे पी अकेले इसको कितने में भरेगा, देखिए अब पी अकेला कितने में भरेगा, देखिए तो पी यानी कि 12 टोटल काम है, अब पी की क्षमता 2 है तो इसको कितने घंटे में भरेगा दोस्तों 6 घंटे में भरेगा, तो 6 घंटा हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 22 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। देखिए एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में, मान लीजिए पाइप ए होगा वो किसी टंकी को 20 मिनट में क्या कर देता है दोस्तों, भर सकता है, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर देता है। देख लीजिएगा बी जो होगा इसे 60 मिनट में
खाली कर देता है। तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, 60-20 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 60 हो जाएगा, 20 60 और 60 60 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो अब आगे इसने कहा ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए जब दोनों पाइप ए और बी को खोला जाएगा, मान लीजिए ए और बी से हम काम कराएंगे तो टोटल 60 काम हमारा करवाना है, तो ए जो है 3 लीटर भरेगा, बी 1 लीटर निकाल के भगा देगा। जब ए हमारा 3 लीटर पानी भरेगा और बी हमारा 1 लीटर निकाल के फेंक देगा तो बचेगा कितना, 2 लीटर बचेगा। तो यही 2 लीटर से हम इसको जब कट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 23 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 23 के बाद दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है कि एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, देख लीजिएगा पाइप ए है वो किसी खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया 15 मिनट में। अच्छा मिनट दिया है तो हम घंटा ना लगाएं दोस्तों, यहाँ पे हमको मिनट लिखना है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दोस्तों मिनट लिख दीजिए, हमने लिख दिया दोस्तों मिनट। फिर कह रहा है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई उसी टंकी को 20 मिनट खाली कर देता है, दोस्तों खाली कर लेता है इसलिए दोस्तों माइनस यहाँ पे 20 मिनट में, तो हमने यहाँ पे दिया 20 मिनट। 15-20 का एलसीएम करेंगे दोस्तों तो 60 आ जाएगा, 15 चौको 60 20 23 60, यानी कि अब अगर देखें तो कहा यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए पाइप ए और बी को जब हम खोलेंगे, देखिए पाइप ए 4 लीटर भरेगा, पाइप बी 3 लीटर निकाल के बाहर फेंक देगा, यानी बचेगा कितना, एक ही बचेगा, तो इसलिए दोस्तों 60 अपान का 1 कर देंगे तो टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 60। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा, 60 मिनट, यानी मिनट पूछा तो 60 मिनट हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हमारा बी यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों आगे देखेंगे दोस्तों 24 के बाद दोस्तों हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भी साथ में मिलकर यह काम इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है, ये बात हमको बतानी है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया, दोस्तों देखेंगे तो ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है और यहाँ पे देख लीजिए कि बताया गया है एक पाइप एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, देखिए भरता है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब फिर दूसरा आगे कहा है एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर देता है, देखिए यानी कि एक दूसरा पाइप, मान लीजिएगा पाइप ए, पाइप जो बी के साथ ए मिलकर के इसी टंकी को 10 घंटे में कह रहा भर सकता, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। अब देख लीजिए कहा गया है पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर पाता, ये बात बतानी है। देखिए इन दोनों का अगर 14 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 70 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 14 5 70 5 ये आ गई और 10 7 70 यहाँ पे ये आ गया। अब हमको बात पता है कि ए की क्षमता यहाँ पे 5 है तो बी वाले पाइप की क्षमता इस जगह पे देखिए, जब ए की 5 हम क्षमता रख देंगे तो बी की क्षमता 2 रख देंगे तभी तो 5 2 7 हो जाएगा। अब जब ये 7 हो जाएगा अब हमको करना ये है, कह रहा खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है, देखिए खाली टंकी को बी अकेले, देखिए पाइप बी इस खाली टंकी को अकेले कितने देर में भर देगा, देखिए बी से हमको भरवाना है टोटल 70 हमारा 70 लीटर का वो टंकी है और बी की क्षमता 2 है, देखिए जब 2 की दर से भरेगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 35 घंटे में भर देगा, 35 घंटा हमारा यहाँ पे देख लीजिए मौजूद है ए ऑप्शन पे, तो 25 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, इनलेट मतलब देख लीजिएगा भरने का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको ए पाइप मान लिया और इसको 4 घंटे में हमने भरवा दिया। फिर कह रहा एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, आउटलेट पाइप खाली करता है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, और कितने घंटे में खाली करता देख लीजिएगा 6 घंटे में खाली करता, देखिए 6 घंटे में खाली कर सकता है, गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो कितने घंटों में टंकी आधी भर जाएगी, ये बात बताना। देखिए 4 और 6 का एलसीएम कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं, देखिए
पाइप जो पहला वाला ए पाइप है वो भरता है और दूसरा पाइप उसको खाली करता है। तो अगर पाइप ए 3 लीटर पानी भरेगा और पाइप बी 2 लीटर निकाल के फेंक देगा तो बचेगा क्या, 1 ही लीटर तो की बचत होगी। जब 1 लीटर की बचत होगी जब दोनों पाइपों को खोलेंगे तो हमको कह रहा है टंकी को आधा भरने में, टंकी हमारी कितनी बड़ी है 12 लीटर की टंकी है, अब हमको आधा भरने के लिए तो यहाँ पे हम 6 लीटर भरेंगे पानी, यानी कि इसका 12 लीटर टोटल भरना है। टोटल टोटल से हमको करा टंकी को आधा भरने के लिए, तो 12 का आधा हम कर देंगे 6, तो यानी हमको 6 लीटर भरेंगे। और दोस्तों दोनों को जब ये ए और बी से भरवाएंगे, देखिए ए करेगा 3 लीटर भरेगा और बी क्या करेगा 2 लीटर खाली कर देगा, तो बचेगा हमारा 1 लीटर। 1 का भाग इसमें करेंगे दोस्तों तो 6 आ जाएगा हमारा, 6 घंटा लग जाएगा, तो 6 घंटा हमारा देख लीजिए यहाँ पे दिया गया सी पे, तो 26 का दोस्तों यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए लिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये बात हमको बतानी है। देखिए एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जो पाइप मान लीजिएगा एक पाइप ए है वो टंकी को कितने मिनट में भर देता है दोस्तों, 20 मिनट में भर देता है। हमने यहाँ पे 20 मिनट रख दिया, भरने काम करता है इसलिए हमने प्लस लगा दिया। फिर लेकिन एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर देता है, देखिए निकासी पाइप यहाँ पे भी लगा है, ये खाली कितने समय में करता है, खाली इसे 28 मिनट में कर देता है, हमने 28 मिनट लगा दिया। देखिए 20 और 28 का अगर आप एलसीएम करेंगे, देखिए 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 7 = 28 हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 140, कुल मिलाकर के 140 हमारा इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 × 7 = 140 भाग देने पे इसकी क्षमता आ गई 7, 28 का भाग यहाँ पे देंगे तो आ जाएगा 28 × 5 = 140, यानी इसकी क्षमता बी की आ गई 5। अब बात ध्यान से समझिएगा, ए जो होगा दोनों पाइपों का है ना, देखिए जब दोनों पाइपों को खोले जाते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, हमको ए और बी दोनों पाइपों को खोल करके इनसे काम करवाना है। टोटल 140 लीटर की हमारी टंकी है, ए क्या करेगा, ए 7 लीटर पानी भरेगा लेकिन बी उसे 5 लीटर पानी भगा देगा यानी निकाल देगा, बचेगा कितना हमारा 2 लीटर बचेगा, 2 का भाग जो हम इसमें 140 में देंगे तो 214 यानी कि 70 आ जाएगा। तो 70 मिनट में क्या हो जाएगा हमारा, 70 मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों तो हमारा 27 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 27 के बाद यहाँ पे 28 नंबर पे आ जाते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि टैंक ए का 2/5 हिस्सा पानी से भरा है, पाइप बी नहीं पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है। देखिए टैंक ए का 2/5 हिस्सा पानी से भरा है, 2/5 हिस्सा टैंक जो ए होगा उसका 2/5 हिस्सा पानी से भरा है, और कह रहा पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। देखिए पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, पाइप पी तो देख लीजिएगा पाइप जो पी होगा इसे कितने मिनट में भर देगा दोस्तों, 10 मिनट में भरने का काम कर रहा है इसलिए हमने प्लस बना दिया। क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर देगा, देखिए क्यू जो होगा इसे 6 मिनट में खाली कर देगा, तो यहाँ पे हमने 6 मिनट ये खाली करने वाला लिख दिया, 10 और 6 का एलसीएम कर दिया तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 × 30 हो जाएगा और 6 × 5 = 30 हो जाएगा, इनकी हमने क्षमता निकाल लिया। अब कह रहा है तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, खाली करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कह रहा है यदि P और Q दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो अब देखिए टोटल टैंक हमारा 30 लीटर है, इसमें कितना भाग भरा, कह रहा है 2/5 हिस्सा पानी से भरा है, तो देखिए इस 30 लीटर टैंक में 2/5 हिस्सा जब भरा होगा तो यानी भरा टैंक हम देखेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 5 × 6 = 30 अर्थात 6 × 2 = 12, 12 लीटर क्या है भरा है, 12 लीटर टैंक हमारा भरा है, और खाली कितना होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, खाली कितना होगा यानी टोटल हमारे पास कितना था, टोटल 30 था, 30 में से 12 भरा है, तो इसका मतलब 18 हमारा क्या होगा खाली होगा, 18 हमको भरा वाले की बात की गई है, तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो यहां से अगर दोस्तों आप अगर देखेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 28 का जो हमारा बनेगा, देखिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए 5 यहाँ पे टोटल 12 है,
तो देखिए टोटल हमको 12 12 भरा है, इसी को हमको खाली करना है, ये 30 नहीं आप समझेंगे। इसने कहा ना टैंक कितना भरा है, टैंक ए का 2/5 हिस्सा भरा। देखिए 30 लीटर का हमारा टैंक टोटल, 30 लीटर का, 30 का 2/5 निकालेंगे तो इसका मतलब 12 लीटर हमारा भरा है। अब भरा जो भरा है कह रहा है उसी भरे को ये दोनों पाइप एक साथ खोल देते हैं, भरे टैंक को। यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, भरे टैंक को ए और बी पाइप द्वारा खाली होने में लगा समय, भरे टैंक को ए और बी पाइप द्वारा खाली करने में लगा समय, या खाली होने में लगा समय। दोस्तों लगा समय, अगर अब आप देखेंगे इनका समय कितना लग जाएगा, टोटल हमको 12 लीटर खाली करना है। दोनों देखिए जब ए और बी मिलके काम करेंगे तो 3 और 5, ए पी पी जो मान लीजिए 3 भरेगा, क्यों 5 खाली करेगा, तो 2 एक्स्ट्रा खाली करेगा ना, तो जब 2 खाली करेगा तो यहाँ पे 2 का इसमें भाग कर देंगे तो कितना लग जाएगा दोस्तों, 6 मिनट। 6 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए कहाँ पे मौजूद है, ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो दोस्तों 28 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 28 के बाद, दोस्तों 29 नंबर, और इसके पहले देख लेते हैं दोस्तों 27 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया था, और इसके पहले देखेंगे तो 26 नंबर भी हो गया हमारा, यहाँ पे 25 नंबर भी हो गया, तो यानी सही है। हमें ऐसा लगा दोस्तों कि कोई एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है, लेकिन ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने 28 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और अब देखेंगे दोस्तों हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया ये गया है कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से इसे यह कितने समय में खाली हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से बात समझिएगा, कह रहा है एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। कोई एक टंकी है, मान लीजिए टंकी ए है, इसको कितने घंटे में भरा जा सकता है, 9 घंटे में इसको हम भर सकते हैं, 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक लगता है। लेकिन रिसाव के कारण अब टंकी को भरने में, मान लीजिएगा एक रिसाव है, तो टंकी को भरने में यानी कि रिसाव, यहाँ पे हम पाइप भी मान लेते हैं, छोटा सा छिद्र है यहाँ पे मान लीजिएगा, यानी कि रिसाव है, तो इसको भरने में अब कितना समय लग जाता है, 10 घंटे का समय लगता है, 1 घंटा अधिक लगेगा, तो यानी कि जब 9 घंटा पहले लगता था अब इसको 10 घंटे लगेगा, तो हमने 10 घंटे लिख दिया। अब अगर आगे देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनको पहले जैसे ही हल कर लीजिए, 9 और 10 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 एलसीएम आ जाएगा। जब 90 एलसीएम आ जाएगा, देखिए 9 दहम 90, 10 इसकी क्षमता आ गई, 10 नहीं 90, 9 इसकी क्षमता आ गई। तो अब कह रहा तो रिसाव की वजह से ये कितनी समय में खाली हो जाएगी। देखिए अब खाली होने की बात कह रहा है, तो रिसाव की वजह से ये कितने मिनट में या कितने घंटे में, कहा ना रिसाव की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगी ये बात बताना है। तो अब देखिए, अब अगर रिसाव इनके बीच में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 10 भरेगा, ये क्या करेगा, 10 भरेगा और ये 9 खाली करेगा, तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी ये बात बताया गया है। एक टंकी 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो जब पहले 9 घंटे में इसको भरा जा सकता था, लेकिन रिसाव के कारण इसको अब यानी 10 घंटे लग रहा है। तो यहां से अगर देखेंगे तो देखिए इस 90 लीटर को हमको भरना है, ये क्या करेगा, ये 10 लीटर खाली करेगा, तो ये 9 लीटर हमारा क्या करेगा, मान लीजिएगा रिसाव के कारण इसको क्या लग रहा है, यहाँ पे आप इसको माइनस बनाएंगे, बात पहले समझिएगा, इस जगह पे इसको माइनस बनाएंगे, इसको प्लस बनाएंगे, ये इसको क्या बना देंगे माइनस, और इसको बनाएंगे आप प्लस, ऐसे करेंगे तभी तो इसको 10 घंटे समय ज्यादा लग जाएगा भरने में, और टंकी को ये पहले 9 घंटे में भर देता था, रिसाव के कारण इसको ज्यादा समय लगने लगा। तो अब यानी कि देख लीजिएगा, ये 9 भरेगा, ये 10 खाली करेगा, तो जब ए और बी दोनों पाइपों को खोलेंगे, यानी कि ए और बी से दोनों से इस 90 लीटर को हम भरवाएंगे, देख लीजिएगा तो 90 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 1, दोनों में ये 10 भरेगा, मतलब ये 10 खाली करेगा, ये 9 भरेगा, तो 1 ही तो हमारे डिफरेंट आ जाएगा, यानी कि 1 1 हमारे एक्स्ट्रा खाली होगा, तो इसको कितना लग जाएगा, 90 घंटे ही लग जाएंगे। देखिए 90 घंटे हमारा यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 29 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 29 के बाद दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर पे आ जाइए, और 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया है कि पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ है, ठीक है, पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है
तो खाली टैंक के पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये बात यहां से हमको बतानी है। देखिए पानी का एक टैंक कितना भरा हुआ है, 2/5 भरा हुआ है, तो कह रहा पाइप ए किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। देखिए पाइप ए जो होगा इसे कितने मिनट में भर देगा, 12 मिनट में भरेगा, तो हमने ये 12 मिनट लग दे रख दिया। पाइप बी जो होगा भरने का काम कर रहा है इसलिए प्लस लगा दिया, और ये खाली करने का काम करेगा इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, और पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर देता है, तो यहाँ पे हमने 6 मिनट लगा दिया। अब देखिए 12 और 6 का एलसीएम करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 का जब भाग 12 में देंगे तो 1 आ जाएगा, 6 × 12 यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आपको बात ये समझ में आ गई कि पाइप जो ए है ये 1 घंटे में मान लीजिएगा या 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, पाइप बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी खाली कर देगा। तो कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के पूरी तरह से भरने, जो खाली टंकी हमारी है इस खाली टंकी को पूरी तरह से भरने भरने या टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए टोटल हमारा यहाँ पे अगर हम देखें हाँ भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो हम लिख देंगे भरा हुआ टैंक। देखिए भरा हुआ टैंक, भरा हुआ टैंक, देखिए टोटल हमारे पास 12 लीटर का टैंक है, उसमें से कितना भरा है, 2/5 भाग भरा हुआ है। देखिए 2/5 भाग हम ये लिखेंगे, और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 आ जाएगा, और 5 × 4 = 20 आ जाएगा, यानी कि 24 × 2 = 48, 4.8 लीटर क्या होगा, पानी भरा हुआ होगा। भरा हुआ टैंक कितना आ जाएगा हमारा, 4.8 लीटर भरा होगा। अगर खाली टैंक की बात करें, देखिए खाली टैंक यहाँ पे बात करें, खाली टैंक हमारा कितना होगा, खाली टैंक हमारा हो जाएगा देखिए 12 से जब हम 4.8 घटा देंगे तो 8 यानी कि 7.2 हमारा क्या बच जाएगा, 7.2 हमारा खाली टैंक हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो खाली टैंक के पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अब हमारा भरे हुए टैंक को पूरी तरीके से खाली होने में कितना समय लगेगा, तो अगर आप यहां से देखेंगे तो यहाँ पे इसने इसके कहने के दोनों का मतलब एक ही है, तो कह रहा खाली टैंक के पूरी तरह से भरने, तो अगर मान लीजिएगा इतना इतना हमारा भरा होगा, देखिए 4.8 भरा होगा, खाली कितना होगा हमारा, 7.2 खाली होगा, और फिर कह रहा तो यह भरे हुए टैंक को खाली होने में, यह भरा हुआ टैंक हमारा मान लीजिए 4.8 है, इसको खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए खाली होने में लगा समय अगर हम निकालें, भरे हुए टैंक को खाली होने में लगा समय यहाँ पे लिख देते हैं, भरे हुए टैंक को खाली होने में लगा समय, खाली आगे लिख दीजिएगा होने में, खाली होने में लगा आगे लिख देते हैं दोस्तों समय, लगा समय निकालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे भरा टैंक हमारा 4.8 है, इसको खाली होने में कितना समय लगेगा, तो खाली होने में जब हम समय निकालेंगे देखिए देख लीजिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, जब ये 1 भरेगा 2 खाली करेगा तो 1 ही तो बचेगा, तो यानी कि 1 एक्स्ट्रा खाली होगा, तो इसको देख लीजिएगा 4.8 ही मिनट लग जाएगा, 4.8 मिनट लगेगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि यह 4.8 मिनट में खाली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यानी कि यह 4.8 मिनट भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो ये जो हमारा 4.8 लीटर भरा है इसको खाली करने में 4.8 मिनट लग जाएगा, तभी ये पूरा खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 30 के बाद दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए, दिया गया है कि पाइप ए एक टंकी को एक्स घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 7 घंटे 30 मिनट में भर जाएगी। देखिए दोनों पाइप जो है, देखिए पाइप ए और बी अगर खोले जाते हैं तो टंकी को पाइप ए और बी अगर खोले जाते हैं तो टंकी 7 घंटे 30 मिनट में भर जाती है। देखिए 7 घंटे 30 मिनट, तो 7 घंटा और यहाँ पे हम लिख देंगे 30 मिनट, देखिए 7 घंटा 30 मिनट में यहाँ पे भर जाती है, ठीक है ये बात हो गई। फिर आगे कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो अगर यहाँ पे हम इसको विकल्प के अकॉर्डिंग हल करें दोस्तों, मान लीजिएगा हमने विकल्प नंबर ए ले लिया, विकल्प ए से अगर हल करें, देखिए कह रहा है एक पाइप ए एक टंकी को एक्स घंटे में भर सकता है, देखिए पाइप जो ए होगा मान लीजिएगा भरने का काम कर रहा है इसलिए प्लस कर दिया, अब पाइप ए का यहाँ पे कितना दिया गया 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, और पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर देता, देखिए खाली करते इसलिए माइनस लगा दिया, और 15 घंटा तो यहाँ पे 15 घंटा लिख दिया,
और 8 और 15 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो 8 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे हमारा हो जाएगा 120। यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 120 रख दिया। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे आगे देखेंगे 15 अट्ठे 120 तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 का भाग 120 में करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा, 8 एकन्नम 8 हो जाएगा और यहाँ पे बच्चा कितना हमारा 4 8 पन 40 15 आ जाएगा और 15 अट्ठे 120 हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए जब ये 15 ए जो होगा टोटल हमको 120 लीटर पानी भरवाना है, ठीक है ना, 120 लीटर पानी टैंक की क्षमता की टंकी हमारे पास है तो 120 लीटर टोटल पानी हो गया। इसको हम क्या करेंगे, 15 लीटर हमारा ए भरता है और 8 लीटर बी खाली करता है, तो इन दोनों को जब एक साथ हम खोल देंगे, देखिए पाइप ए और पाइप बी को दोनों को लगा देंगे काम पे, तो इस 120 लीटर में यानी कि 15 भरेगा 8 खाली कर देगा, बचेगा कितना 7, तो 7 बचेगा, तो 7 का भाग जब इसमें देंगे, देखिए 7 एकन्नम 7 बचा कितना हमारा यहाँ पे 5 बचा हो गया 50, तो 7 सता 49 और बचा 1 यहाँ पे 1/7। देखिए अगर देखेंगे तो 17 घंटे 1/7 मिनट आ रहा, 17 घंटे समथिंग बन रहा ना, 17 घंटा, ये तो बताया 7 घंटा 30 मिनट आना चाहिए दोनों को भरने में, तो ये तो पहले देखा जाए तो पहला विकल्प हमारा गलत हो गया। तो अब यहां से अगर हम विकल्प नंबर 2 ले लेते हैं, विकल्प नंबर हमने बी ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, विकल्प नंबर जब बी ले लेंगे, इसमें कहा गया यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो मान लीजिएगा पाइप जो ए होगा इसे भर के भरने पाइप बी के लिए कितना दिया गया 5, हमने 5 रख दिया, भरने का काम करता है इसलिए प्लस रख दिया, और पाइप बी खाली करने का काम करता है इसलिए माइनस लगा दिया, और आगे कितना 15 मिनट 15 घंटा बताया गया तो इसको 5 घंटा इसको 15 घंटा मान लिया। अब 15 और 5 घंटे का जब एलसीएम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 15 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 5 टाइम 15 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 15 एकन्नम 15 हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए जो अब ये दोनों जब इन दोनों से काम कराएंगे ए और बी से, तो देखिए 15 लीटर टोटल भरना है और जब ए हमारा 3 भरेगा और बी 1 खाली कर देगा बचेगा 2, जब 2 का भाग इसमें करेंगे देखिए 214 आ जाएगा और 2 × 5 = 10 यानी कि इतना घंटा आएगा। 7.5 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, 7.5 का मतलब हो जाएगा 7.5 घंटा। देखिए 7.5 घंटा यहाँ भी लिखा है, 7 घंटा 30 मिनट लगा लिखा है, चाहे इस प्रकार से 7.5 कह दीजिए, अच्छा है 7.5 लिख दीजिए तब भी ये 7.5 ही है। तो यहाँ पे देखिए 7 आवर्स और यहाँ पे 30 मिनट आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि आप इस प्रकार से भी लिख दीजिएगा, तो यानी कि विकल्प बी जो हमारा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों तो 31 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 31 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया ये गया है, इसपे कहा गया है कि एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा भरा होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था, उसको भरने में कितना समय लगेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसने ये कहा कि दो एक पाइप है, मान लीजिएगा पाइप ए है, ये एक कुंड को 7.8 घंटे में क्या कर देता है दोस्तों, भर देता है। तो 7.8 घंटे में तो हमने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 7.8 आवर्स लिख दिया, अच्छा ये हो गया। अब आगे कहा गया है जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को पूरा भरा होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोस्तों देख लीजिए खाली करेगा तो कितने घंटे में, 19.5 घंटे में, तो हमने 19.5 घंटा लग रख दिया। अब देखिए इन दोनों का जब हम एलसीएम करेंगे, देखिए 7.8 और 19.5 का एलसीएम करेंगे दोस्तों तो एलसीएम कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा, अगर बाहर हम करके देख लेते हैं, देखिए 78 दशमलव को मान लेते हैं नहीं लगा है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे हम इसका जब एलसीएम करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96, 3×6 = 78। देखिए अगर हम 13 से इसको कट करें, देखिए 13×6 = 78 हो जाएगा और इसको कट करेंगे 13×9 = 13 हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना यहाँ पे 6 बचा तो 65 हो गया, 13×5 = 65। देखिए अब ये हमारा किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट करेंगे 3×9 = 6, 3×5 = 15। अब देखिए 2 से ही कटेगा भी, 5 से ही कटेगा, ठीक है ये पूरा हमारा मान लीजिए कट गया, तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा देखिए 13×3 = 39, या फिर ये हमारा 5 है तो 5×2 = 10, 10×3 = 30, यानी कि हमारा आ गया 30 × 13 हम 13 कर देंगे, 13×3 = 39 यानी कि 390 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 390 आ गया। अब 78 का भाग जो हम 390 में देंगे दोस्तों देख लीजिएगा आगे आ जाएगा 13×6 = 78 यानी कि यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 195 का भाग जब इसमें हम देंगे देखिए कितना हो जाएगा,
यानी कि जब 195 का भाग अगर आप देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 39, 39 पंचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 2 पंचे 10, 2 ने 18, 1 19, 2 1 2 1 3, यानी कि ये दो बार में पूरा पूरा चला जाएगा, 195 दूना 390 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से बात ये पता चल गई कि टोटल हमारा कुंड की जो क्षमता है 390 लीटर की कुंड है हमारा, उसमें से पाइप ए 1 घंटे में मान लीजिएगा 5 लीटर पानी भरेगा, पाइप बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल करके फेंक देगा, तो बचत कितनी होगी। तो कह रहा दोनों पाइपों को उस समय खोला जाता है जब कुंड आधा खाली होता है। देखिए कुंड आधा खाली होने पर अगर आप यहां पे देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितना है, यहाँ पे 390 है, तो 390 का आधा करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 390 का जब आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 9 18, 2 5 10, यानी कि 195 आ जाएगा। अब इस 195 के कुंड आधा खाली होने पर कितना आ जाएगा हमारा, 195। अब इस 195 जब खाली रहता है तब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो देखिए अब इस 195 को जब दोनों पाइपों से हम काम कराएंगे, पाइप ए और पाइप बी से, तो देख लीजिएगा पाइप ए 5 लीटर भरेगा तो पाइप बी हमारा 2 लीटर खाली कर देगा, तो उसको भरने में कितना समय लग जाएगा, यानी कि 3 ही लीटर भर बच पाएगा हमारा कुंड के अंदर पानी, बाकी 2 लीटर तो बह के बाहर ही निकल जाएगा। जब ये 5 5 भरेगा 2 निकालेगा तो ये 3 लीटर बचेगा, 3 लीटर अंदर जाएगा। देखिए 3 का इसमें जब भाग करेंगे दोस्तों तो तिछंग 18 हो जाएगा, और जब तिछंग 18 हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, तिछंग 18 और बचा हमारा 1 हो गया 15, 3 5 15, देखिए कुल मिलाकर कितना आ गया हमारा 65 आ गया। अब दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने अभी तक क्या किया था, दशमलव को छोड़ के माना था कि दशमलव मान लीजिएगा नहीं है, इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, अब क्वेश्चन पूरा हल करने के बाद देख लीजिएगा, दशमलव यहाँ पे हमारा 1 अंक बाद लगा था तो आप यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे बस, यानी कि 6.5 घंटे में आधे कुंड को वो लोग दोनों पाइप आपस में भर देंगे जब एक साथ चलेंगे, तो 6.5 घंटा हमारा यहाँ पे दिया गया 32 का डी ऑप्शन पे, तो डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों हमारा ये दिया गया है। और दोस्तों 33 नंबर देखने से पहले छोटी सी आपसे गुजारिश होगी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें दे सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, यानी कि कोई एक पाइप है वो किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये बात हमको बतानी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहां पे देख लीजिएगा पाइप ए है, जो पाइप ए किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर लेता है, देखिए पाइप ए हमारा यहाँ पे मान लीजिएगा ये पाइप ए है, भरने का काम करता है इसलिए हमने प्लस बना दिया, और पाइप ए जो होगा देखिए 7/4 घंटे में भर सकता है, देखिए 4 का जब भाग इसमें करेंगे अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इसको आप पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, बचेगा हमारा 3, 4 1 4 बचेगा हमारा 3, हो गया दोस्तों 30, तो 4 7 28 और बचा 2 4 5 20, यानी कि 1.75 आ जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1.75 घंटे में पाइप ए क्या कर देता है, एक टैंक को भर देता है, एक टैंक को 1.75 घंटे में टैंक ए को भर देता है। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर इसी में कहा गया है जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर, दूसरा पाइप जो बी होगा, जबकि दूसरा पाइप टैंक के पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। अब 21/8 घंटे को अगर दशमलव में निकालेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा, 8 2 9 16 हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 5 बचा, अब हो गया दोस्तों वो कितना हो गया 5 बचा, तो हो गया हमारा दशमलव हमने लगा दिया और हो गया 50, 8 6 48 हो जाएगा, देखिए 8 6 48 बचा हमारा कितना, बचा हमारा दोस्तों 2, फिर यहाँ पे जब 2 हो जाएगा तो 20 बन गया, 8 2 9 16
बचा हमारा 4845, देखिए कितना आ जाएगा हमारा 2.625 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जीरो और आगे बढ़ा सकते हैं तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.625 आ जाएगा, ठीक है। अब इतने घंटे में वो क्या कर देता है, टैंक को पूरा भरा होने पर इसे इतने घंटे में खाली कर देता है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम करेंगे दोस्तों, तो एलसीएम करेंगे तो यानी अब क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमने एक खतरे का काम बना लिया है। अब दोस्तों खतरे का काम तो ये बना ही लिया है, चलिए अब अगर इसको हम इसी प्रकार से हल कर दें तो देखिए, चलिए मैं इसी प्रकार से आपको हल करके इधर दिखाता हूं, फिर से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पाइप ए जो होगा, मान लीजिएगा एक टंकी को भरने का काम करता, वो 7/4 घंटे में क्या कर देता है दोस्तों, भर देता है। जब ये 7/4 घंटे में भरेगा तो देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने 7/4 घंटा लिख दिया, 7/4 घंटा लिख दिया। पाइप बी इसे खाली करेगा कितने घंटे में, 21/8 घंटे में खाली करेगा। अब दोस्तों अगर इनका एलसीएम आप करेंगे तो हम जानते हैं अंश का एलसीएम किया जाता है, हर का एचसीएफ किया जाता है, तो अंश का एलसीएम हमारा 21 आ जाएगा और हर का हमारा एचसीएफ यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के इतना आएगा। अब जब इसका भाग जब हम इसमें देंगे, देखिए ध्यान से, जब इसका भाग इसमें दिया जाएगा, देखिए 21/4 में जब हम भाग करेंगे 7/4 का, तो ये 4/7 बन जाएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 21 यानी कि क्षमता इसकी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और जब इसी प्रकार हम दोस्तों ये 21/4 में हम 21/8 का भाग करेंगे तो ये 8 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा और 4 × 8 इसकी क्षमता आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। इतनी बात आपको दोस्तों समझ में आ चुकी होगी तो अच्छी सी बात है। चलिए इस तरीके को आप हटाइएगा, इसमें अगर पॉइंट में आ गया है तो हमारा थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा और हम लोग हल करेंगे, इससे भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसा कर देते हैं कि इसको नहीं करते हैं, यही मेथड हम लगाते हैं जैसे हमने अब इस प्रकार से जो बता रखे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने इनकी क्षमता निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक का 2/3 खाली था। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे टैंक का 2/3, यहाँ पे हम लिख देंगे टैंक का दो तिहाई खाली होने पर। देखिए टैंक का जब 2/3 खाली होगा, देखिए टोटल टैंक हमारे पास कितना बड़ा है, 21/4 लीटर का टैंक है मान लीजिएगा, इसमें से 2/3 कह रहा खाली करने पर, 21/4 का जब 2/3 करेंगे, देखिए ये आ जाएगा, देखिए इसको अगर हल करेंगे तो 2 × 4 आ जाएगा, 3 × 7 = 21 आ जाएगा, फाइनली हमारा 7/2 आ गया। अब जब 7/2 को क्या करेंगे, इतना हमारा क्या है, ये टैंक हमारा 2/3 खाली होने पर, तो हमने ये खाली हिस्सा निकाल लिया, 2/3 खाली होगा तो कर टैंक को भरने में कितना, 2/3 खाली था तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब इस 7/2 हमारा खाली है, इसको दोनों पाइपों से हमको भरवाना है, तो बात पहले समझिएगा ध्यान से। तो देखिए जब हम पाइप ए और पाइप बी दोनों को खोल देंगे, हमारे पास टैंक खाली कितना है, 7/2 टैंक हमारा खाली है, इसमें हम भाग कितने कर देंगे, देखिए जब 3 हमारा ये पाइप ए भरेगा और 2 पाइप हमारा पाइप जो बी होगा वो 2 लीटर खाली करेगा, पाइप ए 3 लीटर भरेगा, तो कुल मिलाकर के 1 लीटर यहाँ पे बचेगा, 1 ही लीटर की तो बचत हो पाएगी। जब ये 3 भर देगा तो 2 लीटर बाहर निकाल के फेंक देगा तो बचेगा 1 ही लीटर, तो हमारे टैंक के अंदर जाएगा पानी बचत के लिए। तो जब 1 का इसमें भाग करेंगे दोस्तों, देखिए क्या आएगा, हमारा 7/2 ही आ जाएगा, जब 7/2 ही आएगा। अब 2 का भाग जब 7 में कराएंगे, देखिए 2 × 3 = 6 आ गया, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, ये पूरा पूरा कट गया, इतना घंटा यानी कि 3.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों अब 3 3.5 घंटा, 3.5 घंटे को हम लिख सकते हैं, 3.5 आया है तो यानी कि हम 3 घंटा इसको लिख सकते हैं, 30 मिनट लिख सकते हैं। देखिए 3 घंटा 30 मिनट में हमारा क्या हो जाएगा, टैंक जो है वो भर जाएगा। 3 घंटा 30 मिनट देख लीजिएगा हमारा बी ऑप्शन पे मौजूद है, यानी कि 33 का हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर में देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है, यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, देखिए एक नल होगा मान लीजिए हमने उसको प्लस कर दिया, वो क्या करता है 25 मिनट में भर सकता है, हमने भर दिया, और एक अन्य नल उसी टैंक को, मान लीजिए एक दूसरा नल होगा उसी टैंक को क्या करेगा, वो
50 मिनट में खाली कर देता, तो यहाँ पे हमने देख लीजिए खाली किया, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। 25 और 50 का एलसीएम करेंगे तो 50 हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसकी क्षमता 2 आ जाएगी, इसकी क्षमता हमारी 1 आ जाएगी। अब कहा यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, देखिए 50 लीटर का टैंक है हमारा, जब ये ए वाला टैंक हमारा ए टैंक 2 लीटर भरेगा और बी वाला टैंक हमारा 1 लीटर पानी निकाल के बाहर फेंक देगा, तो बचत कितने की होगी, 1 ही लीटर की तो बचत होगी, 1 ही लीटर टैंक के अंदर जाएगा, तो 1 का भाग कराएंगे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा कितना, 50 ही मिनट लग जाएगा दोस्तों। 50 मिनट हमारा देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है बी पे, तो 34 का दोस्तों हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों आज के इस पार्ट पे हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इस पे कहा गया है कि एक टैंक में 2 नल लगे हैं, ठीक है, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है, दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए टैंक हमारा जो ए है, मान लीजिएगा एक नल, एक टैंक में 2 नल लगे हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है, भरने का काम कर रहा है, इसलिए प्लस लगा दिया, और कितने घंटे में, 8 घंटे में, यहाँ पे हमने 8 घंटा लगा दिया। फिर कह रहा और दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है, दूसरा नल, तो दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, और ये क्या करता है, 10 घंटे में खाली कर देता है, तो 10 घंटा यहाँ पे हमने 10 घंटा ये खाली करवा दिया। अब देखिए 8 और 10 का एलसीएम अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 40 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 × 5 = 40 इसकी क्षमता 5 आ गई, 10 × 4 = 40 इसकी क्षमता 1 आ गई। तो कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए अगर टैंक को ए और बी है, दोनों को जब एक साथ खोला जाएगा, इस 40 लीटर को हमको भरवाना है, तो टैंक ए जो होगा वो देखिए 5 लीटर क्या भरेगा, और टैंक बी 4 लीटर पानी निकाल के फेंक देगा, तो यानी बचत कितनी की होगी, जब वो 5 भरेगा 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही लीटर टैंक के अंदर बचा रह जाएगा, तो जब 1 लीटर बच जाएगा तो इस 40 लीटर भरने के लिए दोस्तों कितना लग जाएगा, 40 यानी कि 40 घंटे का ही समय लग जाएगा, तो 40 घंटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन हमारा ए पे मौजूद है दोस्तों, तो ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, फिर भी दोस्तों आपको बता दूं किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आपको यदि कोई राय सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।